हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बिल्कुल नई डिश लेकर आए हैं, लाल पोहा। ये देखिए, ये पोहा जिसे हम फ्लैटन राइस भी कहते हैं, ये लाल पोहा है। मैं आपको दिखाऊंगी, रेड राइस होता है। आप मेरे पास है, अभी मैंने निकाला हुआ नहीं है, तो ये उससे लाल पोहा बना है। आप देख सकते हैं, इसमें देखिए थोड़े थोड़े लाल पोहे की चित्तियाँ सी दिख रही हैं आपको, मैं क्लोजअप करके दिखा रही हूँ, है ना, रेड राइस की। ये देखिए, तो ये लाल पोहा बनता है उससे। तो आज हम इससे पोहा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये पोहा एक पैन में भिगो दूंगी। ये देखिए, मैं पोहा भिगोने जा रही हूँ, लेकिन आपको दिखा दूँ, इसमें मैं न्यूट्रीला बड़ी डालूँगी, छोटी वाली। ये देखिए, मैंने गर्म पानी में भिगो दी थी, कितनी स्पॉन्जी हो गई है ये, है ना। और ये बिल्कुल मेरे को 10 मिनट बस उबलते पानी मैंने इसे भिगो दिया था, इसका पानी मैं रिलीज़ कर दूँगी। और ये देखिए, ये आलू मैंने छोटे काटे हैं, इनको भी मैं फ्राई करूँगी। और ये प्याज है, इसको भी मैं फ्राई करूँगी। पर पहले मैं पोहा भिगो दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस किस तरह से इसको बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, जब पोहा बनता है तो ये रेत में भी बनता है, गर्म भट्टी पर, तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी या थोड़े से कुछ कुछ कण रह जाते हैं, जिसको हमें धोना ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने इसको धोने के लिए क्या करती हूँ मैं, कि ये एक भगोने में मैंने पानी ले लिया है, भर के 3/4 भगोना भरा है। ये छलनी फिट कर दी है, उस पर ये पोहा डाल दूँगी मैं इस तरह से। और अब मैं इस पोहे को पानी से भर दूँगी। तो क्या है कि इसमें जितनी भी मिट्टी होगी ना, वो नीचे जो पानी भरा हुआ भगोना है ना, उसमें चली जाएगी पूरी, इसकी मिट्टी रिलीज हो जाएगी पूरी की पूरी, और ये पोहा ऊपर से साफ का साफ रहेगा। और देखिए, जो ऊपर आना होगा ना, ये ऊपर आके तैर जाएगा, तो उसको हम निकाल देंगे। इसमें कुछ भी खास नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है, ज़्यादा देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये सारी मिट्टी, अब मैं इसको ऐसे थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ दूँगी मैं। ये देखिए, इसका धान भी आ रहा है, चावल का, आप देख सकते हैं। ये देखिए, चावल का धान भी इसमें लगा हुआ है, तो वो भी ऊपर आ गया है। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा ऊपर नहीं आया है, क्योंकि इसमें और कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं नहीं। और इस तरह से देखिए, ये खूब अच्छे से, ये खूब अच्छे से साफ़ हो जाता है। और मैं इसका पानी, इसको निकाल करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको उठा दूँगी, इस तरह से ऐसे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पानी, ये देखिए पानी, पूरा पानी इसमें, मिट्टी इसमें आ गई है, है ना। इस तरह से ये नीचे सेटल हो जाएगी पूरी मिट्टी। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा और डाल भिगो दूँगी, 2 मिनट के लिए और बस, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसको 4 मिनट हो गए हैं भिगोए हुए, मैंने इसको निकाल दिया है। इस पानी को मैं अब फेंक दूँगी, इसको मैं नहीं रखूँगी, सिंक में मैंने फेंक दिया है। ये देखिए, पूरा पानी इसमें नीचे, इसके आपको पार्टिकल सभी भी पड़े हुए दिखेंगे। और इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके इस तरह रखा रहने दूंगी, और ये थोड़ा सा पंखे में फरेरा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, मैं जब तक कुकिंग स्टार्ट करूंगी, तेल गरम होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है रेड राइस, आप देख सकते हैं, ये रेड राइस है, इसका ही ये पोहा बनता है। और ये मैंने ऑर्गेनिक राइस मैंने मंगाया है, बिग बास्केट से मंगाया था मैंने, और ये इजीली स्टोर्स पे मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। अब मैंने देखिए न्यूट्रीला बड़ी का पानी निकाल दिया है, और इसको मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, भून लूँ, तल लूँगी ऑयल में, थोड़ा सा लाल कर लूँगी, हल्का गुलाबी कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूट्रीला चंक्स छोटे वाले हैं, ये 3 साइज में आते हैं, बड़े वाले, मीडियम और छोटे वाले। तो ये देखिए, ये वाले चंक्स छोटे वाले हैं, जो फूल के बड़े हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। और अब मैं इनको ऑयल रिलीज़ करके एक कटोरे में अलग निकाल लेती हूँ इस तरह से। और मैं अब इसमें बाकी की चीज़ें धीरे धीरे मैं करूँगी, तो मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि हम किस तरह से बारी बारी चीज़ें डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ये आलू डाल रही हूँ, और ये आलू मैं लाल लाल बिल्कुल, इनको भी मैं फ्राई करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है भोपाल में, खूब बादल हो रहे हैं, गरज रहे हैं, बारिश भी हो रही है,
और ये देखिए, ये हल्के से देखिए लाली आने लगी है, गुलाबी पन। अब मैं इसमें एक छोटी सी गाजर जो तकरीबन 1/4 कप है कट के, पतली पतली गोल गोल काट लिए, इसको भी मैं इसके आलूओं के साथ डाल दूँगी और इसको भी मैं अब फ्राई कर लूँगी। तो आलू और गाजर एक साथ अब हो जाएंगे, क्योंकि गाजर को हमें ज़्यादा नहीं करना है, आलू तकरीबन हो ही गए हैं, तो इसलिए अब ये गाजर और आलू एक साथ फ्राई हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि गाजर भी हल्की हल्की सी फ्राई हो गई है, और इसको क्या फुल फ्लेम है ना, तो आप देखिएगा ज़्यादा टाइम नहीं इसको लगने वाला है होने में। ये ऑयल मैंने इसमें तकरीबन 2.5 टेबलस्पून मैंने डाला था, जिसमें मेरे को क्योंकि सोया चंक्स ऑयल लेते हैं उसको फ्राई किया था। और अब देखिए ये गाजर और आलू भी फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी ये प्याज, तकरीबन 1 कप है और लंबी लंबी काटी हुई है ये प्याज, इसको मैंने बहुत पतला नहीं काटा है। इसको भी हम तेज आंच पे कर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें इसे बहुत गलाना है, इसको हमें बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है, जो आलू और गाजर के साथ ये हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया पोहा बनता है जिस तरह से मैं बना रही हूँ, और ये आप सबको इंट्रोड्यूस करिएगा। ये देखिए लाल पोहा है, और ये लाल पोहा कहकर ही मिलता है, रेड पोहा है ना, ये कहकर आप ग्रॉसरी स्टोर से या ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। मैंने बिग बास्केट से मंगाया है, बिग बास्केट पे सब चीज़ें ब्लैक राइस, रेड राइस, ये सब आसानी से मिल जाता है। और मैं प्याज को अब ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 मुट्ठी मूँगफली, इसको भी मैं अच्छे से लाल कर लूँगी मूँगफली को। मूँगफली बहुत जल्दी लाल हो जाएगी क्योंकि तेज आंच है, और जैसे ही प्याज अभी देखिए ट्रांसपेरेंट नहीं हुई है, हल्की सी ये गलनी शुरू हुई है, हल्की सी टेंडर हुई है, बस अभी भी करारी ही है, और मैंने इसमें मूँगफली ऐड कर दी है, तो उससे क्या है कि ये मूँगफली के साथ साथ सब कुछ सिकेगा, तो ये एक सा कलर आता है। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहले क्या चीज़ डालनी है और क्या चीज़ कितने टाइम में सिकेगी। तो मैं अपने वीडियोस में ख़ास तौर से हिंट आपको और ये एडवाइस आपको देती जाती हूँ, जो आपके बहुत काम आएगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, 1 कप कटी हुई ये शिमला मिर्च है, हरी शिमला मिर्च है। आप चाहें तो बेल पेपर्स येलो और रेड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं की है, आप आराम से कर सकते हैं इसमें। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी, और ये भी देखिए प्याज और इसके साथ बहुत आराम से पक जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं फुल फ्लेम पर काम कर रही हूँ, मूंगफली भी देखिए काली नहीं हुई है, आप देख सकते हैं कितनी गुलाबी गुलाबी है। अब इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून में ये चटनी वाली जो चने की दाल होती है भुनी हुई, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। ये संग संग देखिए सब चीज़ें कितना अच्छा कलर आ रहा है, कोई चीज़ भी आपको ज़्यादा जली हुई ऐसी नहीं दिखेगी। आपको इसमें ध्यान रखना है क्या चीज़ कब सिकेगी और कितना सिकेगी। फुल फ्लेम पर मैं काम कर रही हूँ लगातार, लेकिन कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं दिखेगी। अब मैं डाल रही हूँ ये काजू के टुकड़े हैं, ये काजू, एक काजू से तकरीबन 8 टुकड़े किए हुए हैं, बारीक काजू हैं ये। अब मैंने ये डाल दिया है इसमें, इसी समय मैं डालूँगी ये कोकोनट लच्छे वाला, ड्राई कोकोनट है लच्छे वाला, इसको मैं डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसको भी मैं अब इसमें इसके साथ फ्राई कर दूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम राई डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने राई डाली है, और राई को मैं तड़कने दूँगी, राई अच्छे से तड़कनी चाहिए। करीब तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून मैंने इसमें राई ऐड करी है, राई तड़क जाएगी, राई तड़क गई है, देखिए छटक रही है, अब है ना, गर्म है बहुत। इसमें मैं ये 3 हरी मिर्च मैंने स्लिट कर दिया बीच में से, और कड़ी पत्ता ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम फ्लेम को सिम कर देंगे, बहुत देर से तेज आंच है, और ये राई धीरे धीरे इसमें तड़कती रहेगी इस तरह से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ खीरा, तकरीबन 1 छोटा खीरा है जो 1/4 कप है, 1/4 कप है उसके, मैंने बहुत बारीक टुकड़े नहीं किए हैं, थोड़े मोटे मोटे ही टुकड़े हैं। आजकल बहुत ही अच्छा खीरा आ रहा है, और देखिए ये हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये न्यूट्रीला चंक्स, इसको भी मैं इसमें
इस तरह से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम मैंने सिम करी हुई है, राई अच्छे से तड़क रही है, खुशबू आ रही है राई की भी, और इसके साथ ही इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ते की खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये किशमिश, तकरीबन मैंने किशमिश, आपकी इच्छा है, किशमिश ऑप्शनल है, क्योंकि भाई मेरे बच्चे तो किशमिश नहीं खाना पसंद करते हैं, अभी आजकल वो आए हुए नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी है, लेकिन वो लोग होते हैं तो मैं किशमिश बिल्कुल नहीं डालती उनको, ये मीठा 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 किशमिश का बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और अब देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अंदाज से ऐसे डालिएगा, क्योंकि आपने पोहा भिगोया है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। ये नमक, नमक आप कम किस तरफ ही डालिएगा, क्योंकि इसमें बहुत तेज नमक नहीं अच्छा लगता है, है ना। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी मैं अच्छी खासी डालती हूँ, चीनी ऑप्शनल है, आपको अगर मीठा कम पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा मत डालिएगा, लेकिन हम लोग क्या है थोड़ा सा चीनी वाला ही पसंद करते हैं, तो मैंने चीनी इसमें ऐड करी है। तो ये देखिए मैंने इसमें ऐड करी है चीनी। चीनी भी अभी मेल्ट हो जाएगी फटाफट इसमें, क्योंकि बिल्कुल गर्म है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी शेज़वान सॉस, क्योंकि मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है शेज़वान का टेस्ट, तो इसमें मैंने डाली है। आप चाहे तो नहीं डालिएगा, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और मैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैंने टमाटर नहीं डाले हैं, आप बारीक काट के इसमें एंड में जब बन जाए तब टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो सॉस थोड़ी सी, तकरीबन एक टेबल स्पून। ये इस तरह से मैंने इसमें मिला दी है, इसलिए मैंने कहा था नमक थोड़ा हम कम डालेंगे, है ना। ये देखिए ये हमारा सब कुछ पड़ गया है। आप नींबू डालना चाहते हैं तो इसमें आप एंड में नींबू डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ नींबू। नॉर्मल पोहे में हम नींबू डालते हैं, और इसमें आप नींबू डालना चाहें तो ज़रूर डाल सकते हैं। और हम ये डाल रहे हैं अब इसमें पोहा। देखिए पोहा कितना सूख गया है, देखिए ऐसे मैं अलग रख देती हूँ पानी से निकाल कर, ना ये घुटता है ना टूटता है, और देखिए कितना खिल गया पोहा, आप देख सकते हैं। अब इसको हम पूरे को मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे इस तरह से, पूरे को, पोहे को। ये देखिए कितना बढ़िया पोहा बन जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं मिक्स कर रही हूँ धीरे धीरे, और ये मेरा देखिए मिक्स हो गया है पोहा, और अभी तक सेम है फ्लेम। अब मैं तेज कर दूँगी इसको। आप इस समय हरा धनिया, टमाटर सब ऐड कर सकते हैं, इसी समय आप सब ऐड कर सकते हैं। देखिए बहुत लाजवाब पोहा बना है, अब ये सर्विंग के लिए तैयार है। इसके साथ हम नमकीन सर्व करते हैं, जो भी नमकीन आपको पसंद है, मीठा, खट्टा, मिर्च वाला, जो भी नमकीन आपको पसंद है। ये देखिए पोहा कितना बढ़िया बना है। और अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ करूँ, इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली है, आप चाहे तो इसमें हल्दी डाल सकते हैं। मैं इसमें हल्दी नहीं डालती, जो वाइट वाला पोहा होता है मैं उसमें हल्दी डालती हूँ, पर मैं इसमें हल्दी नहीं डालती, और ये पोहा तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको इसमें अपने कैसरोल में इसको मैं पूरे को डालूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने पोहा आपके सामने डाला है, इसमें पैक करा है कैसरोल में, ये कितना गरम गरम पोहा इसमें है, और देखिए ये पोहा बिल्कुल खिला हुआ बनता है। देखिए मेरी तरह से आप इसको अगर सोक करेंगे तो पोहा ना कभी चिपकेगा, ना टूटेगा, ना ख़राब होगा। तो इस तरह से ये पोहा मैं बनाती हूँ, और इसके साथ मैं देखिए नमकीन सर्व करती हूँ। जो भी नमकीन आप खाते हैं, ये सेव है, जो भी आप नमकीन खाते हैं वो आप इसके साथ सर्व करिए और खाइए और खिलाइए। इस समय बारिश हो रही है और डिमांड हो रही थी घर में कि भाई पोहा चाहिए खाने के लिए चटपटा गरम गरम, तो मैंने कहा लाओ लाल पोहा। अभी बिग बास्केट से दो तीन दिन पहले ही मंगाया, मैं मंगाती रहती हूँ तरह तरह का सब देख करके वहाँ से, तो मैंने मंगाया, मैंने कहा लाल लाल पोहा बना लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पर अच्छा लग रहा होगा, विज़िट करते रहिए, आते रहिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।